हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हु, विच, मैन, इन्फो एंड हेल्प। तो इन कमांड्स को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन की हेल्प लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर यूज की हुई है। सबसे पहले आप टर्मिनल को ओपन कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग दो टाइप के टर्मिनल यूज करते हैं, सूडो टर्मिनल एंड टर्मिनल। आप कमांड चाहे सूडो टर्मिनल के द्वारा रन करें, चाहे आप टर्मिनल के द्वारा रन करें, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल इस चीज को लेकर है कि करंट टर्मिनल पर आपने किस यूजर से लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो नॉर्मल यूजर होते हैं उन्हें सभी कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन रूट यूजर को फुल परमिशन होती है। तो टर्मिनल मैटर नहीं करता है, मैटर जो करता है वो केवल करंट यूजर लॉगिन करता है कि आपने करंट टर्मिनल से किस यूजर को लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहां से सूडो टर्मिनल को ओपन करता हूं, तो देख सकते हैं सूडो टर्मिनल ओपन हो चुका है। इसके बाद सबसे पहले आप हम लोग कमांड यूज करेंगे हु। देखिए जरा, जस्ट हु टाइप कीजिए। दोस्तों, एक चीज और, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केस सेंसिटिव है। जो कमांड स्मॉल लेटर्स में यूज की जाएगी वो एज इट इज स्मॉल में होनी चाहिए, लेकिन जो कमांड कैपिटल में यूज की जाएगी वो कैपिटल में होनी चाहिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो स्मॉल और जो कैपिटल लेटर्स है ये आप हमेशा ध्यान रखिएगे। तो सबसे पहले मैं क्या यूज करता हूँ, हु कमांड टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कीजिए। तो हु कमांड हम लोग किस पर्पज के लिए यूज करते हैं ये जरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हु कमांड जो है वो ये शो करता है कि आपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मशीन पर किस किस टर्मिनल से किस किस यूजर को लॉगिन किया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे हमने हु टाइप करके एंटर की प्रेस की तो यहां पर ये कुछ आउटपुट इस कमांड का डिस्प्ले हुआ है। अब इस आउटपुट का मीनिंग क्या है वो ध्यान से समझिएगा। रूट यूजर लॉगिन किया गया है, ये है टर्मिनल नेम, यानी कि रूट यूजर किस टर्मिनल से लॉगिन किया गया है, किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में और किस टाइम पर ये लॉगिन किया गया है, ये आप यहां से देख सकते हैं। इसी तरह रूट यूजर को हमने पीटीएस टर्मिनल से लॉगिन किया हुआ है, PTS 0, और ये डेट, टाइम, मंथ और ईयर नंबर आया हुआ है कि किस टर्मिनल से आपने यूजर को लॉगिन किया हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग देखें, मैं ऐसा करता हूं कि एक टर्मिनल पर जाकर मैं अगेन रूट यूजर से लॉगिन करता हूं, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा टर्मिनल है, रूट यूजर से लॉगिन हो गए। इसी तरह एक अनदर टर्मिनल से मैं प्रीत यूजर से लॉगिन करता हूं, एंटर की प्रेस कीजिए, पासवर्ड टाइप करके देख से प्रीत यूजर से लॉगिन हो गए। वापस हम लोग ग्राफिकल टर्मिनल में चलते हैं। अब अगेन मैं यहां पर हु टाइप करके अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये पहले भी आउटपुट आया हुआ था, रूट यूजर को आपने 0 टर्मिनल से लॉगिन किया हुआ है।
अगेन रूट यूजर को आपने PTS 0 टर्मिनल से लॉगिन किया हुआ है, रूट यूजर को ही आपने TTY 4 से भी लॉगिन किया हुआ है, और प्रीट यूजर को आपने TTY 6 से लॉगिन किया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अब इन टर्मिनल्स का मीनिंग क्या है दोस्तों? ये टर्मिनल नेम है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। टर्मिनल जीरो जो होता है वो हमारे ग्राफिकल टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है कि आपने ग्राफिकल मोड से, यानी कि ग्राफिकल मोड से आपने रूट यूजर को लॉगिन किया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह पीटीएस जीरो टर्मिनल जो है वो हमारे सूडो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने अभी यहां पर आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपने रूट यूजर से ही लॉगिन किया हुआ है। TTY 4 यानी कि कंट्रोल ऑल्ट F4 टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कंट्रोल ऑल्ट F6 जो है वो TTY 6 को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं कंट्रोल ऑल्ट F2 टर्मिनल पर जाता हूं और यहां पर मैं रूट यूजर को लॉगिन करता हूं, आपके सामने यहां पर आउटपुट में आपको डिस्प्ले कराऊंगा भी, तो ये मैंने यहां पर कंट्रोल ऑल्ट F2 से मैंने एक प्रीत यूजर को लॉगिन किया। दोबारा से अगर मैं हु कमांड यहां पर रन करता हूं और एंटर की प्रेस करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीत यूजर को ही TTY2 यानी कि कंट्रोल ऑल्ट F2 से भी मैंने प्रीत यूजर को लॉगिन किया हुआ है या कराया है अभी। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हम लोग करंट लॉगिन यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि किस किस टर्मिनल से आपने किस किस यूजर को लॉगिन किया हुआ है। सेकंड थिंग, अगर आप हु स्पेस हाइफन ए यूज करते हैं, तो हु के साथ अगर आप हाइफन ए यूज करते हैं तो ये हाइफन ए बोले तो ऑल टर्मिनल्स की इंफॉर्मेशन आपको शो कराएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि किस किस टर्मिनल पर आपने किस किस यूजर को लॉगिन कराया हुआ है, के साथ साथ यहां पर ये आपके लॉगिन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस किस टर्मिनल से आपने किस किस यूजर को लॉगिन कराया हुआ है, किस किस टाइम पर लो आपने लॉगिन किया। के साथ साथ यहीं पर आपको सिस्टम बूटिंग टाइम भी दे रहा है कि आपने मशीन को किस टाइम पर बूट कराया था, ये देख सकते हैं, बूटिंग टाइम भी दे रहा है। के साथ साथ यहीं पर मशीन जो है वो रन लेवल की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों रन लेवल क्या होते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं, रन लेवल 5 में अभी मशीन काम कर रही है। रन लेवल क्या होते हैं, किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, कितने रन लेवल्स होते हैं, इन्हें हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हु कमांड के द्वारा अगर केवल हम लोग हु कमांड यूज करते हैं लॉगिन इंफॉर्मेशन शो करता है, हु स्पेस हाइफन ए करते हैं तो ऑल इंफॉर्मेशन शो करता है। अगर आप केवल बूटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हु स्पेस हाइफन बी के द्वारा आप केवल सिस्टम बूटिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं करंट टर्मिनल पर किस यूजर से लॉगिन हूं, तो आप यहां पर हु MI विदाउट एनी स्पेस हु MI टाइप कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप करंट टर्मिनल पर रूट यूजर से लॉगिन है। लेकिन अगर दोस्तों आप यहीं पर हु स्पेस MI सॉरी हु MI विद स्पेस यूज करते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन शो करेगा कि करंट टर्मिनल पर आपने रूट यूजर को लॉगिन किया हुआ है, PTS 0 टर्मिनल है जो कि सूडो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और किस ईयर में किस मंथ में किस डेट में आपने लॉगिन किया हुआ है और किस टाइम पर आपने लॉगिन किया। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड हम लोग जो यूज करते हैं वो है विच कमांड। विच कमांड जो है दोस्तों वो स्पेशली यूज की जाती है किसी भी कमांड की एग्जीक्यूट लोकेशन को चेक करने के लिए। तो जस्ट अगर हम लोग विच टाइप करके और वो कमांड प्रोवाइड करते हैं जिस कमांड की आप एग्जीक्यूट लोकेशन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हु, अभी मैंने आपको हु कमांड के बारे में बताया था,
तो आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि हु कमांड जो है हमारी मशीन के अंदर कहाँ से रन हो रही है, तो हु टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हु का जो प्रोग्राम है वो हमारी मशीन के रूट डायरेक्टरी के अंदर यूएसआर सॉरी रूट पार्टीशन के अंदर यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर यहां पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज करते हैं मैन। दोस्तों ये जो अगले तीन कमांड मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट है मैन, सेकंड है इन्फो और थर्ड है हाइफन हाइफन हेल्प। दोस्तों ये तीनों कमांड ही स्पेशली यूज की जाती है किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर कमांड कैसे कैसे एग्जीक्यूट की जा सकती है और किस किस पर्पज से हम लोग उस कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी कमांड यूज की जाती है उसका एक मैन पेज होता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैन स्पेस उस कमांड का नेम जिस कमांड के बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कि मान लीजिए कभी भी आप हु कमांड भूल गए कि हु कमांड कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, किस किस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये अगर आप भूल जाते हो तो मैन कमांड यूज करते हैं। मैन टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं कमांड का नेम है हु। हु कमांड किस पर्पज के लिए यूज होती है, शो हु इज लॉग्ड ऑन, ये देखने के लिए कि मशीन पर कौन कौन से यूजर लॉग इन है। अब कमांड कैसे कैसे रन करते हैं हम लोग, यहां पर हु स्पेस ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, हु स्पेस हाइफन ए, मैंने अभी आपको कमांड ये रन करके शो कराया था, ए जो है वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। हु स्पेस हाइफन बी किस लिए यूज करते हैं, बूटिंग टाइम देखने के लिए। हु स्पेस हाइफन डी हाइफन एच हाइफन एल हाइफन एम हाइफन पी और भी बहुत, और किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है ये सिंबल्स, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट डाउन एरो की प्रेस करना और सभी ऑप्शंस आपको यहां पर शो कर देता है, देख सकते हैं आप यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है इन्फो स्पेस उस कमांड का नेम जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब इसमें और भी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जस्ट देखिए यहां पर भी हु स्पेस हाइफन ए हाइफन बी हाइफन डी वही सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी शो कर रहा है। तो इसको आप आराम से डिटेल में रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये कमांड किस पर्पज के लिए यूज की जाती है और कैसे कैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हेल्प। दोस्तों हेल्प जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रन होती है। सबसे पहले हम लोग उस कमांड का नेम प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं और हाइफन हाइफन हेल्प ये हम लोग यूज करते हैं। तो हु स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंटर की प्रेस कीजिए। तो इसमें ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जस्ट आप यहीं पर ही पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हु कमांड के बारे में, विच कमांड के बारे में, देन मैन इन्फो एंड हेल्प। तो इन पांच कमांड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज दोस्तों।